नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। बिहार में हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहा है। जहां सोनाक्षी के फैंस खुश है, वहीं इस शादी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के जहीर इकबाल से शादी की खबर के बाद बिहार में सियासी पारा गरमाया हुआ है। एक हिंदूवादी संगठन हिंदू शिव भवानी सेवा ने इस शादी के विरोध में बकायदा पोस्टर लगवा दिए हैं, जिसमें लिखा है कि सोनाक्षी और जहीर की शादी देश के इस्लामीकरण की कोशिश है और शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी पर तुरंत पुनः विचार करे। साथ ही पोस्टर में यहां भी कहा गया है कि सोनाक्षी को पूरे बिहार में कहीं घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं इस शादी को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। पोस्टर के माध्यम से यह विरोध बिहार की हिंदू शिव भवानी सेना ने किया है। संगठन ने पटना में पोस्टर पर धमकी भरे लफ्जों में लिखा है कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को बिहार में घुसने नहीं देंगे। पटना में लगे पोस्टरों में शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फोटो लगाई गई है। पोस्टरों पर लिखा है, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी लव जिहाद को बढ़ावा है, पूरे देश को इस्लामीकरण करने की कोशिश। शत्रुघ्न सिन्हा जी शादी के फैसले पर पुनः विचार करें, नहीं तो अपने बेटों लव और कुश के घर का नाम तुरंत बदले। इससे हो रहा हिंदू धर्म का अपमान। सोनाक्षी सिन्हा को हिंदू शिव भवानी सेना बिहार में घुसने नहीं देगी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपने परिवार और करीबी मित्रों की मौजूदगी में बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में शादी की है। नवविवाहित जोड़े ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में शादी की खबर साझा की है। फिलहाल इस शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हिंदू शिव भवानी सेना का कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी लव जिहाद को बढ़ावा देना है, इसीलिए हम सोनाक्षी का बिहार में एंट्री होने नहीं देंगे। खास खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे, देखते रहे फोरसाइट्स टीवी।